सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मैंने ये कहा है कि जिनके पास वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ है उनको राशन नहीं मिलेगा, जिनके पास वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको सब्जी नहीं मिलेगी। ये पूरे तरीके से झूठ है। हमने आज जो मीटिंग हुई है इसमें मैंने पूरे बाहर के फॉरेन्स के मैंने उदाहरण दिए हैं, जिसमें मैंने साफ साफ ये कहा है कि अभी हम इस तरीके से आगे चल के ऐसी सख्ती करेंगे ऐसा हम विचार कर रहे हैं, ना कि मैंने ये कहा है कि ऐसा किया जाएगा। और ये पूरे तरीके से इस बात को मैं पूरे तरीके से खंडन करता हूं कि जिनकी जिनके पास वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ उनको राशन नहीं मिलेगा, इस बात का भी मैं खंडन करता हूं। दूसरा, जो सब्जी बाजार को लेकर जो बात हो रही है, जो सब्जी हम दुकान की बात कर रहे हैं, उस बात का भी मैं खंडन करता हूं, पूरी तरीके से एक सिरे से खारिज करता हूं। मैंने ये जरूर कहा है कि इस पे हम विचार कर रहे हैं, हम विचार के माध्यम से, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा हम चाह रहे हैं कि रायपुर शहर वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो जाए। हम 22 लाख यहां पर रायपुर शहर में लोग रहते हैं, अभी मात्र 4 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, 18 लाख लोग अभी भी बचे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत एकाध जगह भी हमें प्रतीकात्मक इस तरीके का अगर थोड़ा बहुत अगर विरोध अगर करना पड़े, जिसमें लोगों पे अवेयरनेस आए, जिसमें लोगों में थोड़ा सा जागरूकता आए, तो ये चीज मैंने जरूर कही है। और जो बात चल रही है सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो बताया जा रहा है वो पूरे तरीके से गलत है, और इस बात का मैं खंडन करता हूं।